नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। प्यूर्टो रिको के रहने वाले एमिलियो फ्लोर्स मार्केज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने अपनी लंबी उम्र की वजह से। मार्केज, जिनकी उम्र 112 साल और 326 दिन है और वो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 30 जून को इसकी घोषणा की है। एमिलियो फ्लोर्स मार्केज का जन्म साल 1908 में पोर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन के पूरब में स्थित कैरोलिना में हुआ था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से ये अवार्ड उन्हें उनके जन्म स्थान से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर उनके घर जाकर दिया गया। अपने दोस्तों के बीच वो डॉन मिलो के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पत्नी एंड्रिया प्रेस डे फ्लोरेस 75 साल तक उनके साथ रहीं और 2010 में उनका निधन हो गया। उनसे उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 अभी जीवित हैं। इनके 5 पोते, पोतियां और नाती नातिन हैं और 5 ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। जब एमिलियो फ्लोर्स मार्केज से उनकी लंबी उम्र के राज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दया, क्षमा, संवेदना को इसकी वजह बताया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद मार्केज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे प्यार से पाला और मुझे सभी से प्यार करना सिखाया। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाइयों और बहनों को अच्छा करने, दूसरों के साथ सब कुछ साझा करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि मसीहा हमेशा हमारे अंदर रहता है। 11 भाई बहनों में दूसरी बड़ी संतान और माता पिता के पहले जन्मे बेटे मार्केज ने अपने परिवार के लिए गन्ने के खेत में काम किया और वो केवल 3 साल तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनकी पत्नी एंड्रियास प्रेस डी फ्लोर्स की मौत 75 साल की उम्र में साल 2010 में हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।